केंद्र से ले आने वाला प्रवेश मसीह के हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सेवा देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया, प्रभु ने और भी एक दिन खास करके पुनरुत्थान का पवित्र दिन में, प्रभु का पवित्र उपस्थिति में कई प्रकार का रुकावटों को पार करके प्रभु ने हमें पहुँचाया है ना। जरूर आत्मीय जीवन की दौड़ में हमको बहुत से रुकावट आता है, परंतु प्रभु हमें सहायता करता है। प्रभु की सहायता नहीं मिलता तो हम लोग ये दौड़ में आने से नहीं आ सकते, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि आज भी अभी तक प्रभु नहीं आया। प्रभु के आगमन से पहले और एक बार हमें मिलकर के प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। ये भी हम इकट्ठा होता है तो हमें बचाए हुआ प्रभु का स्मरण करता है, और स्मरण करने वाला प्रभु का मेष हमारे बीच में है। वास्तव में प्रभु मेष की ओर जब देखता है तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ, परमेश्वर के महान पद्धति था। तो ये जानना कितना बड़ी बात है, खास करके प्रभु के लोग प्रभु का वचन में बना रहना, वचन पर आधारित करके जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है ना। कुरिन्द का विश्वासियों को पत्र लेने के टाइम पर पौलुस बोलता है, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 3-4 वचन में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखा, अभी हमने गीत गाया था, यीशु मसीह किस लिए मरा? हमारे पापों के लिए। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरा, ये सच्चाई मानने वाला फिर पाप के मार्ग में कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। देखिए, वह हमारे पापों के लिए पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ओ, ये कितना गंभीर बात है भाई, हैं? ये दुनिया में इस रीति में मतलब एक बात हम किसी में भी कभी नहीं देख सकता है ना। सबसे बड़ी बात है वो मर गया वहां पर, कदम कहानी ऐसा नहीं, वो जीवी उठा। आज हम काम पर आया, वो जीवित प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आया है ना। सबसे श्रेष्ठ बात है, यदि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास में वास्तव में कोई मूल्य नहीं था है ना। रोमियो का पत्र में प्रभु का वचन कहता है, रोमियो 4:24 में, रोमियो 4:24 हमारे लिए भी जिसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। देखा, हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। देखा, हमारे अपराधों के लिए वो मारा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यदि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठता तो हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकता था है ना। प्रभु यीशु मसीह को जिलाते हुए प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को प्रभु धर्मी ठहरा था। कितना अनमोल बात है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उस प्रभु में विश्वास करता है जो मृत्यु के ऊपर विजय पाया है ना। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की जी उठने का बात कितना गंभीर बात है, कितना अद्भुत बात है। ये कभी भी मनुष्य से होने वाला बात नहीं, मनुष्य की भावना में आने वाला बात नहीं, एक मुर्दा व्यक्ति वापस जी उठे है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर दुनिया में आया, हमारा पापों को अपने ऊपर लेते हुए वो हमारे लिए मर गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए हमारे लिए वो जीवी उठा है ना। ये सब पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। यीशु मसीह जब उसकी जीवन की यात्रा जैसे जैसे यरूशलेम की ओर बैठता था, चेलों को ये बात बताता था, एडवांस में बताता था है ना। जब मत्ती 16:21 उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याचकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु मसीह का जी उठने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, महत्व तो है ना। इस दुनिया में रहने वाले व्यक्ति वो जीवित प्रभु पर विश्वास नहीं किया तो फिर क्या फायदा है।
आज लोगों को परखना चाहिए मैंने किस पर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, प्रभु ने कहा उस वचन के अनुसार जी उठा, तीसरा दिन में जी उठा। है ना, पौलुस कुरिन्थ मंडली को समझाने के टाइम पर यीशु मसीह की जी उठने पर वो बहुत गौर देता है ना, जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना, यदि मसीह जी नहीं उड़ा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। पहली बात, प्रचार का कोई दाम नहीं, प्रचार का कोई मूल्य नहीं, इतना ही नहीं और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। विश्वास भी व्यर्थ हो जाएगा, लोग जो विश्वास करेगा वो विश्वास भी व्यर्थ हो जाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा है ना, इसलिए हमारा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा विश्वास में पक्का सामर्थ्य है, वो पक्का जीवित विश्वास है उसका। मैंने उसी अध्याय का 17-18 भी पढ़ना, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। देखो कितना भयंकर बात है यहाँ पर बोलता है, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठाए तो हमारा जीवित लोगों का भी विश्वास व्यर्थ है और जो मर गया वो लोग भी गया। परंतु ऐसा नहीं, सचमुच में जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मरा है वो एक दिन जी उठेगा, और जो प्रभु यीशु मसीह में जीवित करके जीवित है जिंदा है वो रूपांतरण करके उड़ा लिया जाएगा, ऐसा एक दिन आएगा। तो सबसे बड़ी बात, मतलब इन बातों को हमें पक्का अपने दिल में कोई थोड़ा भी संदेह नहीं होना, यीशु मसीह जी उठा है ना, प्रभु यीशु मसीह जी उठा उसका क्या प्रूफ है, यीशु मसीह जी उठा उसका क्या प्रूफ का, मतलब क्या बोलो हिंदी में, नहीं प्रूफ का प्रमाण, प्रमाण अरे प्रमाण, प्रभु यीशु मसीह जी उठा उसका प्रमाण क्या है। अगला प्रमाण काली खबर। क्या हो गया, काली खबर। देखिए जिस खबर में रखा था वो खबर खाली है, वो खबर में कोई है ही नहीं है ना, क्योंकि वो जी उठा है ना। वहां पर लोग जब देखने के लिए गया वहां पर क्या देखा है, मत्ती की सुसमाचार उसकी 28 अध्याय उसका 1-6 का वजन, सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। देखा, अपने वचन के अनुसार जी उड़ा करके स्वर्गदूत ने उनको गवाही दिया। देखा, आओ यहाँ स्थान देखो प्रभु पड़ा था। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में वो आकर के बोलता है कि तुम अभी आकर देखो, ये बात चारों सुसमाचार में लिखा है, चारों सुसमाचार में, मरकोस का सुसमाचार 16-6, लूका का सुसमाचार 24 अध्याय का 1-6 और योहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 1-8, ये सारे चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह जी उठा और खबर काली है और स्वर्गदूतों ने ये बात का गवाही दिया, ये बात को लिखा। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह जी उठा उसका सबूत क्या है कि मानव यीशु मसीह जी उठने के बाद में किसको नहीं मिला, ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह बहुत बार मानव 40 दिन तक लोगों को प्रकट होते रहा, प्रकट होते रहा। अब योहन्ना का सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 16-18 तक वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा,
मरियम उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बू ने आता थे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले मगदलीना मरियम मिला, रेसली बातें किया। कितनी बड़ी बात है, मतलब जी उड़ा हुआ प्रभु ऐसे ही चला गया, ऐसा नहीं। वो चेलों को प्रकट हुआ सबसे पहले, जो सात दुष्टात्माओं को निकाला हुआ मरियम मगदली को प्रकट हुआ। जब मरकोस का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ना। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को जिसमें से उसने सात दुष्टात्माएं निकाली थी दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे समाचार दिया। उनके बारे में इसके बाद वह दूसरे रूप में उनसे दो जो देखो, इसके बाद में प्रभु वो दो लोगों को अभी आपको मालूम है उसका बड़ा विस्तार से लूका का सुसमाचार 24 अध्याय उसका 13-14 वचन पढ़ना। दो जो इमायूस नामक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम को कोई 7 मील की दूरी पर था, वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। अभी ये बातों में बातचीत करने के समय में जाते वक्त यीशु मसीह उनके साथ हो लिया और उन बातों में यीशु मसीह भी शामिल हुआ। 32 तक कंटिन्यूस पढ़ना चाहिए। मैं एक दो बात समझने के लिए, खास बात बताने के लिए एक दो वचन पढ़ाता हूँ उसका 25 और 27 वचन। देखो कितनी बड़ी बात है प्रियो, यरूशलेम से एमोस की ओर जाने वाला इन दोनों चेलों के साथ प्रभु साथ में चल करके उन लोग तर्क वितर्क कर रहा है। उस समय में प्रभु बोलता है कि हे निर्बुद्धियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उड़ेगा करके पहले भी उशुद्धता लोगों के द्वारा और खुद भी बोल करके इन्होंने सुना, तभी भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। प्रियो, प्रभु का वचन में विश्वास करना कितना श्रेष्ठ बात है। आज भी प्रभु के वचन पर विश्वास करके चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। लोग बाहर से बोलता है हम विश्वासी है, परंतु जीवन में वो विश्वास नहीं दिखता। हमारा जीवन में, मसीह जीवन में जरूर प्रभु हमारे में दिखना चाहिए, है ना। अभी इन लोगों के साथ चलते चलते मोशा से लेकर के मना की संख्या सारे बात उनको बताना है तो कितना टाइम लिया है? करीब मानव यरूशलेम से मोस करीब 7 किलोमीटर से ऊपर है, 7 माइल से ऊपर है। तो इतना दूरी में चलने के लिए कम से कम 2-3 घंटा लेगा। वो 2-3 घंटा उनके साथ ये वजन पूरा बताते आया। अभी उसका 30 से 32 तक में वजन बढ़िया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा, तब उनकी आंखें खुल गई। देखा, तब तक उन लोगों ने नहीं पहचाना। जब रोटी उनको प्रार्थना करके तोड़कर देने के समय में उनकी आंखें खुल गया और उन्होंने जाना तब, और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। मतलब वो निकल गया। बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग, मतलब उन लोग आपस में क्या गवाही देता। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। देखा, उनका दिल को बहुत छू रहा था लेकिन तभी भी उन्होंने पहचाने नहीं। इतनी आत्मिक गहराई में इन आत्मिक बातों को बताने के समय में उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना। प्रियो, वास्तव में अभी हम प्रभु का उपस्थिति में बैठा है, कितने लोग पहचानता है। कल भी हमने सीखा था
है ना, हम जो कुछ भी करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करता है। जब हम यहाँ पर एकत्रित है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर एकत्रित है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे बीच में है, आपके पास खड़ा है प्रभु यीशु मसीह, आपको दिखने में आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर ही देख रहा है। अभी मैं देखेगा तो एक ही व्यक्ति की ओर देखेगा, और तो यीशु मसीह ऐसे नहीं, यीशु मसीह सबके ओर डायरेक्ट देखता है। तो बहुत बड़ी बात है ना, प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह हमारा भी जीवन का अवस्था जान करके हमसे बोलता है, प्रभु की ओर ध्यान से देखना, प्रभु मुझसे क्या कहता है। प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में प्रभु का उपस्थिति का अनुभव होना है ना, जब मत्ती उसकी 28 अध्याय का 5 से 10 वचन, मत्ती 28 का 5 से 10, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं चाहता हूँ कि तुम यीशु, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा, अपने वचन के अनुसार जी उठा है, आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। देखो कितना सुंदर बात है, प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा, कितने लोगों ने देखा, बहुत बातें हैं। योहन्ना का सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 26 से 29 तक, 8वें दिन के बाद उसके चेले फिर घर से भीतर थे, क्योंकि भीतर थे और थोमा उनके साथ था और बार बंद थे, जब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले, तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कितना सुंदर बात है प्रियो, है ना, हम लोग कितना धनी लोग है जो की बिना देखे विश्वास किया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि थोमा का बात आपको मालूम है, थोमा बोलता है आप लोग ऐसे जी उड़ा बोल करके, मैं इतना जल्दी नहीं, मैं बिल्कुल उसकी उस छेदा हुआ उस हाथों में मेरा अंगुली डालना है, मुझे उसकी पंजर में मेरे हाथ डालना है, देखा, मतलब मुझे पक्का यकीन करना है। तब प्रभु उनको भी नहीं छोड़ा, पर गुस्सा नहीं किया, बहुत प्यार से उनको बताया। तो सबसे बड़ी बात है प्रियो, प्रभु जी उड़ा, है ना। इसके बाद भी एक संभव क्या हुआ, उसका जो है ना 21 अध्याय उसका 1 से 7 तक का वचन में आपको मालूम है, ये चेले लोग प्रभु को देखने के बावजूद भी, प्रभु ने बड़ा जिम्मेवारी सौंपने के बावजूद भी ये लोग मछली पकड़ने के लिए गया, है ना। वो लोग जाकर के उन लोगों ने पूरे रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब किनारे में आया यीशु मसीह उनके लिए वेट कर रहा था, उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी। देखिए क्या प्यार है प्रियो, बात ना मानने वाला, धोखा देने वाला, इन अविश्वासियों को इतना ब्रेकफास्ट भी बना करके इंतजार कर रहे, प्रभु का दिल आप देखो वो कैसा है, उसका 5 से 7 तक पढ़िएगा। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अथा उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतता के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने जिसने यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया और वह नंगा था। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, इन लोग पूरे रात पर मछली जहां पर मिल सकता है वैसा जगह ढूंढ करके जाकर के कार्य किया, लेकिन नहीं मिला, एक भी मछली नहीं मिला। देखा, उनके पास उनको ब्रेकफास्ट के लिए भी मछली नहीं था, है ना। आपको मालूम है, मालूम उन लोगों का अवस्था क्या रहेगा। देखो उस समय में प्रभु के कार्य के अनुसार उन्होंने जब जाल डाला, हम देखते हैं कि 153 बड़े बड़े ऐसा मछली उसके अंदर आया, तभी भी जाल नहीं फटा। प्रभु के कहना मानना कितना श्रेष्ठ बात है। आज हमारे जीवन में हम कहीं हार जाता है,
हम दुखी मिलता है, निराश होता है, उसका एक ही बात है, आप प्रभु का बात नहीं मान। प्रभु की बात तो मानने वाले लोगों को कभी भी टोकर खाने का सवाल ही नहीं। प्रिय हम प्रभु में और प्रभु का सत्य वचन में विश्वास करना, उस पर आश्रय लेना, कितनी बड़ी बात है। इसके बाद में भी बहुत से संभव है, एक दो बात बोल करके मैं आगे बढ़ू। पहले कुरिन्थियों उसका 15:4-8 मतलब प्रभु यीशु मसीह ये उड़ने के बाद में जो प्रकट हुआ, वो प्रकट होने का कुछ बात आपको बता रहे हैं। हाँ। मारा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हाँ। और कैफा को हाँ। बारह को दिखा दिया। हाँ। और वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। देखा 500 से अधिक भाइयों को एक ही साथ दिखाई दिया। हाँ। जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। हाँ। फिर वह याकूब को दिखाई दिया। हाँ। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। हाँ। सबके बाद मुझको भी। देखा सबके बाद में मुझको भी, मतलब प्रेरित पौलुस बोलता है मुझको भी दिखाई दिया। अब बोलिए बहुत बड़ी बात है ना। प्रेरितों का उसका 1 अध्याय उसका 1-3 थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु मसीह से आरंभ करता और आरंभ से करता और सिखाता रहा उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। अपने आप को उन्होंने जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। देखा जी उठने के बाद में कब तक दिखाई देता रहा? 40 दिन। देखा 40 दिन तक दिखाई देता रहा। 40वां दिन उनकी आंखों के सामने से वो स्वर्ग में चला गया। ये कितना बड़ी बात है ना। स्वर्ग पहुंच गया उसका सबूत था प्रभु ने वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा को उन पर भेजा है ना। पेंतेकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा आया, इसका मतलब प्रभु बोला था मैं जाने के बाद में मैं तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजूंगा है ना। प्रभु स्वर्ग पहुंच गया उसका सबूत क्या है? ओ पवित्र आत्मा को भेजा। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा, उसके बाद में बहुतों को प्रकट हुआ। साथ ही साथ जब अभी सालों के बाद में अभी ये बात होने के बाद में ये करीब 95 में बोलेगा तो मतलब करीब 80-30 से 80-95 तक बोलेगा तो 65 साल के बाद में यूहन्ना को वक्त में उसमें जब प्रकट हुआ तब प्रभु ने उनको क्या बोला है? जब प्रकाश तो आके उसका 1 अध्याय 18 मैं मर गया था और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखा मैं मर गया था परंतु देख मैं युगानियों के लिए जीवित हूँ। प्रियो वो हमेशा के लिए मृत्यु पर विजय पाया हुआ प्रभु, मृत्यु का अधिकार रखने वाला प्रभु ना, कितना अद्भुत बात है। प्रियो हमारे प्रभु यीशु मसीह ना उनका खुद का गवाही है बात है ना। प्रेरित लोग बार बार गवाही देता है, स्वर्गदूत गवाही देता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा। प्रभु यीशु मसीह जी उठने से हमें या उसका फल क्या क्या है? उसका फल है, पहली बात जो बाप दादाओं को दिया हुआ वायदा पूरा किया। क्या किया? प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा बाप दादाओं को दिया हुआ वायदा पूरा किया, क्योंकि बाप दादाओं के बात को गवाही दिया था ना प्रेरितों का, उसका 13:32। प्रेरितों 13:32 जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं। मतलब ये सुसमाचार सुनाते हैं, बोलने का अर्थ बाप दादों को दिया हुआ वो बात क्या था, वो बात समझने जरूरी बात है ना। उत्पत्ति किताब उसकी 22:18 और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। देखा अब्राहम को ही वचन दिया, तूने मेरी बात को माना और तेरी संतति के द्वारा मेरे सारे जाति के लोग आशीष पाएगा। ये वायदा प्रभु ने इसके बाद में इसका को दिया, ये अब्राहम में नहीं रुका। जब उत्पत्ति उसका 26:4-5 उत्पत्ति आकाश के
आज के तारे मैं ही करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब दे दूंगा। अब पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। देखा, इसका मतलब वहां पर इसराइल को भी ये वायदा दोहराया है ना। वो वंश कौन है? वो आपको सबको मालूम है, जब गलातियों के पत्री में पौलुस वो बात को प्रकट करके बताता है, उसका मतलब तीसरा अध्याय का 16 वचन। वो मसीह है, ये है मतलब उर्को को दिया हुआ, बाप दादाओं को दिया हुआ वायदा, उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर हमारा पावों के लिए सूली पर मरकर मृतकों से जी उड़ा, इस बात का गवाही हम देता है ना। जब प्रेरितों काम 26 अध्याय उसका 6 से 8 वचन, प्रेरितों उसका 26 अध्याय का 6 से 8 उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। देखो बोलने का अर्थ, बाप दादों को प्रभु ने दिया हुआ उस प्रतिज्ञा के अनुसार अभी मुझ में मुकदमा चल रहा है, क्योंकि मैं भी बोलता हूँ यीशु मसीह जी उड़ा, जी उड़ा हुआ यीशु मसीह, मैं जी उड़ा हुआ यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता हूँ, क्योंकि ये वायदा अपने बाप दादों को दिया हुआ है ना। इतना बड़ी बात है ना, उसको मतलब हम देखते हैं कि बाप दादों को दिया हुआ वो वायदा प्रभु यीशु मसीह की जी उड़ने के द्वारा प्रभु ने पूरा किया, पूरा किया। दूसरी बात क्या है कि जी उड़ने के द्वारा यीशु मसीह ही प्रभु है, वो सच्चा जीवित परमेश्वर है, ये बात भी सिद्ध किया। देखिए वो एक साधारण मनुष्य होता तो वो जी नहीं उड़ता था, लेकिन जब रोमियो का पत्री पहला अध्याय उसका 5 वचन, रोमियो उसका पहला अध्याय का 5 वचन, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरणा मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसे माने, जिसमें तुम नहीं, नहीं माना उसका जी उड़ने के द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र है करके, वो कौन सा वचन? 4 वचन वापस मांगना शुरू, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण, मरे हुए से जी उड़ने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हाँ, परमेश्वर का पुत्र ठहरा, मतलब ये बात को भी सबूत किया। वो जी नहीं उड़े, जी ना उड़ने का सवाल नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र है, ये बात मारे जी उड़ने के द्वारा एकदम प्रमाणित कर दिया है ना। जब प्रेरितों काम उसका दूसरा अध्याय का 36 वचन, प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय का 36 वचन, अतः अब इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, मसीह भी प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, प्रभु बोल तो परमेश्वर, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी अभिषिक्त है, वो परमेश्वर की ओर से था। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि उसकी जी उड़ना इस बात को भी मतलब बताता है कि वो सच्चा जीवित परमेश्वर है, वो स्वयं परमेश्वर है। कितना बड़ी बात है प्रिय। तीसरी बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह की जी उड़ने के द्वारा आने वाले दिनों में सारे मानव जाति का न्याय होगा, सबको एक दिन न्याय है, ये बात भी प्रभु ने यीशु मसीह के जी उड़ने के द्वारा प्रमाणित कर दिया दुनिया को, है ना। जब प्रेम लोगों का उसका 17 अध्याय उसका 31 वचन, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर, यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। देखा, ये बात सब पर प्रमाणित कर दिया, सबका एक दिन न्याय होगा, मनुष्य को एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है, नियुक्त किया है। न्याय कौन करेगा? न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा, क्योंकि वो इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया। इसलिए यीशु मसीह खुद योहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 22 वचन आपको याद है, पिता किसी का न्याय नहीं करता,
न्याय करने का अधिकार किसको दिया? पुत्र को सौंपा, पुत्र को सौंपा। उसके 27 वचन भी पढ़िएगा, योग ना 5 का 27, 22 और 27। न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है, बोलेगा तो वो ये दुनिया में हमारे लिए मनुष्य बन पुत्र बन करके आने के कारण उसको न्याय करने का अधिकार दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो, प्रियो अनेक लोग विश्वास करो ना करो, पर तो एक दिन आएगा सबके सब है ना, विश्वासी को भी अविश्वासी को भी है ना, एक दिन प्रभु यीशु मसीह का न्यायासन के सामने खड़ा होना। पर तो अलग अलग टाइम है ना, हम लोगों का टाइम अलग है ना, ब्रदर वो बहुत बड़ी बात है ना। विश्वासियों का न्याय काम रहे, विश्वासियों का न्याय प्रभु का न्यायासन के सामने है, परंतु सारे लोगों का जो पापियों का न्याय जो है वो श्रेष्ठ सिंहासन के सामने अरे बेचेगा। इधर आने वाला कोई भी नहीं बचेगा, इधर आने वाला कोई भी इधर नहीं जाएगा। बात समझ में आया? कितना अच्छी बात है, मानो कितना बड़ी बात है। तो लेकिन सबका न्याय है, सबका न्याय है, ये बात को जानना। इसको मतलब न्याय पक्का है, इसलिए बोलता ना दूसरा कुरिंदी 5:10 वचन में, हम सबका हाल न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखा, सभी को प्रियो, हम शरीर में रह करके करने वाला हर एक बातों का न्याय एक दिन होगा। इसका मतलब क्या है कि आने वाला न्याय को यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा सब मनुष्यों पर प्रभु ने प्रकट किया। इसका मतलब ये सब ना जान करके लोग अपने मनमानी में जीता है ना, वो लोग कितना बड़ा धोखा खाएगा, कितना भयंकर धोखा खाएगा। हमें बात को जानना है ना, इस जीवन में हमारे जीवन में किन किन बातों में होगा, अभी अपन रेवलेशन का क्लास में ये सब बात आएगा डिटेल से है, न्याय का खूबी है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें कितना सतर्क होकर के, पहला पत्रोस 5:17 वचन में लिखा है कि बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को वो अपना पिता कहता है, तो ये मजबूत यात्रा भय से विदा हो, भय से विदा हो। बहुत बड़ी बात है ना, हमें ये बात को जानना, बहुत डर के साथ जीना। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान बनने वाला सलमोन भी बोलने वाला एक बात आपको मालूम है, डिक्लेरेशन 12:14 में अनेक बातों का साराम सुनो है, क्या करना है मनुष्य को सब कुछ सुना गया। की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों, परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा, न्याय करेगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की जी उड़ा हुआ बात का प्रूफ हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली था। प्रेज लॉर्ड, और प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में बहुत से लोगों को प्रकट हुआ, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह 65 साल के बाद में भी दीपू में पद्मस टापू में यवना को प्रकट होकर के गवाही दिया, और जी उड़ा उसका फल अब देख रहा था। पहली बात मूर्खों को दिया हुआ वायदा वो पूरा हुआ, दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने के द्वारा वो सचमुच में परमेश्वर था ये बात सबूत हुआ, तीसरी बात आने वाला दिनों में सारे मानव का न्याय होगा ये बात प्रभु ने सब मनुष्यों पर प्रमाणित किया। आखिर और एक बात बोलकर मैं समाप्त करूं, हमारा मतलब जी उड़ना भी पक्का किया यीशु मसीह की जी उड़ना, हम लोग भी एक दिन मृतकों से जी उड़ेगा, नहीं तो यीशु मसीह के आगमन में जीते जीते रूपांतर होकर के उड़ा लिया जाएगा, ये बात भी सिद्ध किया। कितना बड़ी बात है भैया, है कितना बड़ा जीवित आशा है, ऐसा आशा कौन दे सकता, जिंदा व्यक्ति ही दे सकता, वो कौन है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। पहले तो सुनो नहीं क्यों 4 अध्याय का 14 से 18 तक हो जाए, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। देखा, यीशु मसीह में सोया हुआ व्यक्तियों को भी
प्रभु यीशु मसीह के साथ लाएगा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुए उनसे कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कितना बड़ी बात है प्रियो, हम जीवित लोग भी रूपांतर होकर के उठा लिए जाएगा और जो प्रभु में सो गया वो भी रूपांतर होकर उड़ेगा। कितनी बड़ी बात है, ये प्रभु ने हमें वचन दिया है। प्रभु का वचन कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। यीशु मसीह मानव चेलों को छोड़ करके जाने से पहले उनकी अवस्था जान करके प्रभु ने बोला, तुम लोगों का मन व्याकुल नहीं होना है, मैं जा करके तुम्हारे लिए भवन तैयार करने के बाद में यहाँ मैं रहता हूँ, वहां पर तुम भी रहने के लिए मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें जहाँ मैं है वहां पर मैं तुझे ले जाऊंगा। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये आशा दे करके प्रभु ऐसे छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने लोगों का आशा है प्रभु आएगा मैं भी जा जाऊंगा। हाँ प्रियो, प्रभु ने ये जीवित आशा सारे विश्वासियों को दिया है, सभी उद्धार पाए हुए लोगों को पक्का निर्णय है, प्रभु यीशु मसीह आएगा तो मैं भी प्रभु के साथ जाएगा, है ना, इसमें कोई संदेह नहीं, ये बात सच्ची बात है ना। इन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पाया, पाप क्षमा पाया, विश्वास के द्वारा प्रभु की आत्मा पाया, वो जरूर जाएगा, क्योंकि रोमियो 8 अध्याय का 11 वचन में क्या बोलता, रोमियो 8 का 11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी जिलाएगा। पक्की बात है, इसका मतलब हमको एक बात को जानना है कि मैंने उद्धार पाया है कि नहीं, मैंने प्रभु के आत्मा को पाया है कि नहीं, मैं आज प्रभु यीशु मसीह में है कि नहीं। प्रियो ये बात को जानना, यदि यहाँ पर बैठा वो कोई भी व्यक्ति अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा नहीं पाया है तो आज भी प्रभु आपको बुला रहा है। प्रियो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सूली पर बलिदान हुआ, ये दुनिया में प्रभु ने हमें दिया हुआ वायदा के अनुसार स्त्री के संतान होकर प्रभु अपने समय में ये दुनिया में आया और प्रभु उस समय के अनुसार हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर मरा, वो गाड़ा गया है ना। अभी भी उस अरिमतिया योसेफ का कब्र खुला पड़ा है, वहां पर ये लिखकर रखा है वो यहाँ पर नहीं जी उठा है। प्रियो ये कितना सुंदर बात है, बाकी दुनिया के महान लोगों का सबका कब्र बंद पड़ा है और दुनिया में एकमात्र कब्र दुनिया के मध्य में पैलेस्टीन देश में खुला पड़ा है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का कब्र है ना। देखिए वो जी उठा है, ये सच बात है। तो इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करके जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, निश्चय प्रियो आप भी विश्वास करके इस पाप क्षमा पाकर प्रभु की आत्मा पाकर प्रभु का जन बनकर जीने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।